तो देशभर में 2 अक्टूबर को 193वीं गांधी जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर लोग महात्मा गांधी को याद करके उनके द्वारा देश की आजादी में दिए अमूल्य योगदान को याद कर रहे हैं। राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, इसी के साथ सोनिया गांधी भी पहुंची। पीएम ने इस मौके पर लोगों से खादी और हस्तशिल्प उत्पाद को यहां पर बढ़ावा देने की अपील की है। सीएम शिवराज ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और कहा कि मध्य प्रदेश में सफाई में एक नए कीर्तिमान बनाए हैं और इंदौर ने स्वच्छता में सिक्सर मारा है। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी जी की जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भव्य तरीके से पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और इस दरमियान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित भी किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है और ऐसे में पूरे देश भर में भव्य तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहीं राजघाट पर भी भव्य तरीके से श्रद्धांजलि सभा रखा गया जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल हुए। तमाम दिग्गजों ने पहुंचकर राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया। राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें